हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 9 वोटों से हारे मूल सिंह ने लगाया धांधली का आरोप। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में NSUI के प्रत्याशी सुनील चौधरी से सिर्फ 9 वोटों से हारे ABVP के प्रत्याशी मूल सिंह ने मतगणना और मतपेटियों में गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में खारिज वोटों की वापस जांच की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर आज VV बंद करते हुए बेमियादी धरना और भूख हड़ताल की है। मूल सिंह ने यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि मतगणना के दौरान धांधली की गई है, इसको लेकर वे आज से बेमियादी धरना दे रहे हैं। उन्होंने खारिज वोटों की वापस जांच करने, सभी वोटों की पूरी रिकाउंटिंग करने, मतगणना स्थल के सारे CCTV कैमरे की जांच करने, खारिज मतों पर अंगूठे से स्याही द्वारा की गई छेड़छाड़ की जांच करने, प्रत्याशियों के अलावा जो भी अंदर आया उस पर कार्रवाई करने, किसी की अनुमति से अंदर आया उसका भी पता लगाने, जब तक कोर्ट की प्रक्रिया पूरी ना हो तब तक मत पेटियां पुलिस प्रशासन की नजर में रखने, चुनाव गिनती के समय जो भी अधिकारी अंदर मौजूद थे सभी की कॉल डिटेल निकालने आदि की मांग की है। आज बंद है यूनिवर्सिटी। बाद में 2 मंथ मेरे उसके अंदर थे वो भी हुए 28 और 2 उसके माइनस हो गए 30, टोटल 9 वोट से चुनाव जीता। अवधेश शर्मा ने बार बार फोन आ रहे थे, बोल रहा था वो किसी को फोन पे बोल रहा था कि जी सर मैं आपका काम कर दूंगा। मैं बार बार वहां चलाता रहा मैं कि मेरी रिकाउंटिंग करो, मेरे मतों की वापस रिकाउंटिंग करो, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जोधपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।